अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथ्स के चैप्टर से रेलेवेंट एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो है हमारे बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स जो है वो कभी कभार टेस्ट हो जाते हैं। हमने एक एक या दो दो एग्जांपल्स देख लेनी है बॉन्ड्स की, दैट्स इट। उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स में हमारे पास टोटल चार टाइप्स हैं। टाइप नंबर वन, पहली जो आपकी टाइप है वो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड या नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट। अच्छा, नोट या बॉन्ड जो है उसकी एक जो प्योर डेफिनेशन है ना, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। वो आप जब अपना लॉ का पेपर दोगे तब जरूर डिस्कस करोगे। फिलहाल सिर्फ हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स या बॉन्ड्स पहली टाइप होती है विद सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स या नोट्स। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है इंटरेस्ट बियरिंग। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड विद सिंपल इंटरेस्ट। और चौथी चीज जो है हमारे पास वो है इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इनकी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। एक एक एग्जाम्पल से इनके फॉर्मूले और इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। और कुछ हमें ज़्यादा नहीं करना है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, बस सिर्फ इतना है कि अगर इन केस पेपर में आ जाए, बहुत ही रिमोट चांसेस है, लेकिन अगर आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सही है भाई। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें क्या वर्किंग्स होती हैं। और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहली टाइप है तो उसका हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा और क्या करना होगा। तो पहली जो टाइप मैंने लिखी है वो लिखी है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, यानी कि इंटरेस्ट ना हो, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड विथ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि एक ऐसा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड है या नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट या बॉन्ड है जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ है। अब इनके सिनेरियोज में क्या होगा। लेट्स से कि आज है फर्स्ट सितंबर 2015। मिस्टर एक बंदा है और वो मिस्टर एक बंदा जो है ना, वो एक बैंक जाता है। और बैंक जाकर ना, वो बैंक में फॉर एग्जांपल 3,900 रुपए जमा करता है या डिपॉजिट करता है, और बैंक को बोलता है यार इसके बदले मुझे एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट दे दो, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड दे दो विथ सिंपल इंटरेस्ट। अब बॉन्ड या नोट होता क्या है, आप यूं समझ लो कि आपने 3,900 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 3,900 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 3,900 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बैंक आपको एक बॉन्ड या नोट दे देगा, तुम समझ लो एक पीस ऑफ पेपर दे देगा। ठीक है, उस पर क्या बातें लिखी हुई होंगी उस पीस ऑफ पेपर पर जो बैंक ने आपको दिया। आपने बैंक को 3,900 रुपए दिए, बैंक ने आपको एक नोट दे दिया, एक बॉन्ड दे दिया, एक पीस ऑफ पेपर दे दिया फॉर सिंप्लिसिटी। उससे लिखा हुआ होगा कि जनाब आज 1 सितंबर 2015, ये पहली बात लिखी हुई होगी। उससे लिखा हुआ होगा कि इसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स है। उस पर यह लिखा हुआ होगा कि इसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स है, यानी कि 3 महीने बाद आप ये बॉन्ड वापस लेकर हमारे पास आ जाना और हम आपको इसके बदले पैसे देंगे। और उस पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4054,
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब ये बंदा 3 महीने बाद वापस से बैंक जाएगा, बैंक को ये बॉन्ड देगा, ये नोट देगा, तो बैंक इसको 4054 रुपीज देगा और उस पर एक डिस्काउंटिंग की परसेंटेज लिखी हुई होगी 8%। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बना दी, ठीक है। अब इफेक्टिवली नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड क्या है भाई? नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड ये है कि आपने बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करी, आपने 3,900 रुपये बैंक में इन्वेस्ट कर दिए और आपने बोला मुझे इसका एक नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड दे दो विद सिंपल इंटरेस्ट। बैंक ने आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, उस पीस ऑफ पेपर पर आज की डेट थी, उस पीस ऑफ पेपर पर 3 मंथ्स लिखा हुआ था, उस पीस ऑफ पेपर पर मैच्योरिटी वैल्यू 4054 लिखी हुई थी। व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? यानी कि जो वैल्यू इस बंदे को मिलेगी या जो पैसे इस बंदे को मिलेंगे जब ये 3 महीने बाद आएगा, उस पर एक डिस्काउंटिंग का रेट 8% लिखा हुआ था। व्हाट इज दिस डिस्काउंटिंग का रेट? या डिस्काउंटिंग का रेट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जाए तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, उसकी कंप्यूटेशन में यूज होता। अब एक है हमारे पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता या क्या होगा ये देखते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये होगा कि 1st of September 2015 वाले दिन अगर मैं इस बंदे के एंगल से सोचूं, ये जो बंदा मिस्टर ए है, 1st September 2015 वाले दिन इसने बैंक को कितने पैसे दे दिए? 3,900 किसको दे दिए? बैंक को दे दिए। 1st September 2015 को 3,900 रुपीज बैंक को दे दिए या बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिए। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सितंबर के बाद 3 महीने का पूरे होते हैं, सितंबर पूरा गया, 1st October आया, 1st November आया, 1st December आया। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये बंदा 1st December 2015 को बैंक जाता और बैंक को ये कहता कि यार ये लो अपना डॉक्यूमेंट वापस, ये लो बॉन्ड वापस, ये लो ये पीस ऑफ पेपर वापस और इस पे 4054 रुपीज लिखा हुआ है वो मुझे दे दो, जो कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी। तो सर इसमें इस बंदे को क्या फायदा है? इस बंदे को ये फायदा है कि इसने 3,900 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और 3 महीने के बाद इसको 4054 रुपीज मिल गए, ठीक है। तो इसको एक गेन हुआ ना, और वो गेन कितना है? वो गेन आपका कोई 154 के आसपास, 154 है। 3 महीने की इन्वेस्टमेंट पर इसने 154 कमा लिए इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है भाई। तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब सर डिस्काउंटिंग का रेट आपने मेंशन किया था, ये समझा। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक नॉर्मल बात नहीं है लेकिन एबनॉर्मल बात है, यानी कि एक वन ऑफ बात है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट तो करी है, हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट तो करी है 3,900 की, वो इन्वेस्टमेंट 1 सितंबर को करी है, वो इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए करी है और मुझे पता है 3 महीने रहने दूंगा, 3 महीने बाद मुझे 4054 मिलेंगे। कभी कभार ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी, ड्यू टू एनी इमरजेंसी, ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये जो मिस्टर ए था ना, ये मिस्टर ए जब 1st October वाले दिन था, जब 1st October वाला दिन था, उस दिन इसको जो है ना पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी। अच्छा, वैसे क्या तय हुआ था? वैसे ये तय हुआ था कि 1st September को मिस्टर ए ने पैसे जमा कर दिए हैं। अब जब 1st September को पैसे जमा कर दिए हैं तो मिस्टर ए बैंक जाएगा 1 December। वैसे तो ये एग्री हुआ था ना, लेकिन लेट से 1st October को मिस्टर ए को हो गई कोई इमरजेंसी। अब मिस्टर ए गया बैंक के पास, मिस्टर ए ने बैंक को बोला यार देखो ये मेरे पास ये बॉन्ड है या ये नोट है और वैसे तो हमारी बात ये हुई थी कि मैं 1 December को आपके पास आता और जब मैं ये चीज़ वापस करता आप मुझे 4054 रुपीज़ दे देते, लेकिन मुझे इमरजेंसी है, मुझे जो है वो पैसे चाहिए और जल्दी चाहिए, आप चाहे उसकी कोई पेनल्टी चार्ज करनी है वो चार्ज कर लो, मतलब आप 4054 पूरे नहीं दो, उसूलन मैंने जो है वो 3 महीने के बजाय 1 महीना इन्वेस्टमेंट रखी है आपके पास और आपने मेरी 3 महीने की सोच के हिसाब से किसी को 3 महीने का शायद उधार भी दे दिया होगा, लेकिन यार अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। तो बैंक बोलेगा ठीक है आपके पास ये बॉन्ड है ना और इस पे 8% लिखा हुआ है, ये हमने पहले ही मेंशन कर दिया था क्योंकि हमें ये मालूम था कि किसी भी बंदे के साथ ऐसी इमरजेंसी हो सकती है
तो हम आपको इसकी एक डिस्काउंटेड वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। उसूलन तो आप 1 सितंबर को 15 को हमारे पास आए थे, आपने हमारे पास 3,900 रुपये जमा करे थे, और उसूलन आपको 3 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर 2015 को हमारे पास वापस आना था, और आपने 4,054 रुपीज़ वापस लेकर जाने थे ये बॉन्ड या नोट देकर। लेकिन आज 1 अक्टूबर वाला दिन है और आपको एक इमरजेंसी आ गई है, तो हम आपको पैसे दे देते हैं, लेकिन हम जो पैसे आपको देंगे आज, क्योंकि आप जाहिर है 2 महीने पहले आए हो, हमारी पूरी प्लानिंग आउट हो गई, आपके पैसे जो हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, आपके लिए हमें एक्स्ट्रा कैश कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे मसले हैं। तो हम आपको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हम 4,054 तो नहीं देंगे आपको, ठीक है? तो बैंक जो है ना वो इस 4,054 को तो प्रोवाइड नहीं करेगा, बट इसकी कुछ आप समझ लो कि पेनल्टी या डिडक्शन के बाद एक अमाउंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब गौर से सुनना, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स या बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये जो पेनल्टी चार्ज होगी, या ये कह लो एक तरह से डिस्काउंटिंग ही है, ये जो पेनल्टी चार्ज होगी ये कैसे चार्ज होगी, ये एक फॉर्मूले से चार्ज होगी, पी इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टी। ये फॉर्मूला आपने कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? पी यानी कि इसको जो प्रोसीड्स मिलेंगी, यानी कि इस बंदे को 1 अक्टूबर अगर ये गया तो जो पैसा मिलेगा, इज इक्वल्स टू एस यानी कि उस बॉन्ड की फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू जो इसको मिलने चाहिए 4,054, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर, यानी कि वो रेट जो बैंक ने मेंशन किया था कि हम इस रेट से 8% इस रेट से आपके पैसों की डिस्काउंटिंग करेंगे अगर आप जल्दी आ गए, इनटू टी। अब टी कौन सा टाइम पीरियड सर, ये जरा नोट कर लो भाई, ये टाइम पीरियड होगा जो अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड है। सर अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? देखो जो बॉन्ड की लाइफ होती है ना वो कहां से थी, 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर, 1 सितंबर से 1 दिसंबर ये कंप्लीट एंटायर लाइफ साइकिल थी इसकी, यानी कि ये 1 सितंबर को आपने डिपॉजिट किया था और वापस 3 महीने कंप्लीट होते 1 दिसंबर जब आपको बैंक जाना था। जो टाइम गुजर चुका होता है वो कहलाता है एक्सपायर्ड टाइम पीरियड, और जो टाइम नहीं गुजरा होता है, 1 अक्टूबर का दिन है आज, आप बैंक पहुंच गए, आप बैंक को बोल रहे हो यार मुझे पैसे वापस दे दो, मैं 1 दिसंबर तक नहीं रुक सकता, ये कहलाता है आपका अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड, ठीक है? तो अब अगर मुझे ये मालूम करना हो कि इस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, पी इज इक्वल्स टू एस, एस यानी कि 4,054 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर, आर यानी कि 8% इंटू टी, टी कितना होगा 2/12। 2/12 क्यों होगा भाई, अक्टूबर से नवंबर 1 महीना और नवंबर से दिसंबर 2 महीने, करेक्ट 2 महीने की बात हो रही है ना, अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड जो है वो 2 महीने का है। तो अगर मैं 4,054 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 8% इंटू 2/12 करता हूँ, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये बनता है कोई आपका 4,000, यानी कि इसको कितने पैसे मिलेंगे, इसको 4,000 रुपये मिलेंगे, अक्टूबर में इसको 4,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? इसको कितने पैसे मिलेंगे, 4,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि एक तरह से जो पेनल्टी की डिडक्शन है वो कितनी है, 54। अच्छा, अब ये रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कौन डिसाइड करता है, बैंक डिसाइड करता है, करेक्ट, बैंक डिसाइड करता है। तो ये हमारा पहला केस था, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ हमने पूरी वर्किंग करी और हमने ये देखा कि यार अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो तो क्या होता, और अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो तो क्या होता। और ये बात याद रखना कि जो इस फॉर्मूले में हमने टाइम पीरियड यूज किया है, जो ये 2/12 आया है, ये 2/12 क्या है, ये 2/12 है 2 मंथ्स। तो सर 2/12 क्यों किया, क्योंकि जो परसेंटेज है वो भी हमारी एनुअल बेसिस पर है, तो साथ में टाइम पीरियड भी एनुअल होना चाहिए, 2 महीने इन नंबर ऑफ ईयर्स 2/12 बन जाता है, 2/12 मंथ्स बन जाता है, ठीक है? यह हमारा हो गया भाई नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स या बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स या बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट को भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज ये काफी आसान है, ठीक है ना? तो सेकेंड एग्जाम्पल पर जाते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल हमारी कौन सी है, इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड विद सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? ये हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है जिसको मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ, और इसकी डिस्कशन हम करते हैं।
हम लिखते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स या इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स विद सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें और पिछली एग्जाम्पल में कोई खास फर्क नहीं है, बिकॉज दोनों सिंपल इंटरेस्ट हैं। बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि इसमें एक इंटरेस्ट की परसेंटेज मेंशन होती है रादर देन वो 4054 की वैल्यू जो पिछली बार मेंशन थी। इसकी मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ लेट से आज है 1st of January 2015, ठीक है, एक बंदा गया बैंक और बैंक जाकर उसने बोला यार मुझे 15,000 वाला इंटरेस्ट बेयरिंग नोट या इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड चाहिए विद सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक बंदा गया मिस्टर ए बैंक गया, बैंक जाकर उसने बैंक को दे दिए 15,000 रुपए और बैंक को बोला यार बैंक मुझे इसके अगेंस्ट है ना वो एक इंटरेस्ट बेयरिंग नोट या इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड दे दो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हो। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इसको अगेन एक 1st January वाले दिन पीस ऑफ पेपर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, पीस ऑफ पेपर दे दिया और उस पर कुछ बातें, कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स लिखी हुई थी जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये काम हुआ 1st January को। अब लेट से हम ये कह लेते हैं कि इस पर जो बातें लिखी हुई थी वो मैं ऐसे ही हाईलाइट कर दूं। लेट से लिखा हुआ है कि भाई इसकी जो आप कह लो कि नोट की जो वैल्यू है वो 15,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट की परसेंटेज लिखी हुई है 6%। कौन सी परसेंटेज? इंटरेस्ट की परसेंटेज लिखी हुई है 6%। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है वो 120 डेज है। अच्छा, आज की डेट भी लिखी हुई होगी 1st January 2015। मेच्योरिटी पीरियड 120 डेज का क्या मतलब हो गया, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 4 महीने, यानी कि 4 महीने बाद वापस आ जाना और अपने पैसे और सूद ले जाना। इसमें सूद की बात है, पिछले में सूद की बात ही नहीं, कभी भी मैंने सूद की बात नहीं करी। इसमें क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग नोट में लिखा हुआ है कि भाई 15,000 की ये चीज़ है, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, 120 दिन इसकी मेच्योरिटी डेट 120 दिन बाद है, यानी कि 120 दिन बाद वापस आना। आज 1st January है, 120 दिन कब गुजरेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने गुजर जाएंगे, 1 मई को हमारे पास आना और 1 मई को आकर जो है ना वो अपना पैसा और उसका जो सूद बनता है ना वो ले जाना। साथ में एक और बात लिखी हुई थी डिस्काउंटिंग की परसेंटेज, वो लिखी हुई थी 7%। डिस्काउंटिंग की परसेंटेज क्यों यूज होती है, अगर कोई बंदा इमरजेंसी में जल्दी चला जाए तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। एग्रीड। अच्छा, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, एज्यूम कर लो कि एक साल में 360 डेज है, ये सवाल लिख के दे देगा आपको, ठीक है ना। एज्यूम कर लो कि एक साल में 360 डेज है, वर्किंग कैसी होगी, आम हालात में क्या होगा, आम हालात में ये हो गया कि 1 जनवरी वाले दिन ये बंदा मिस्टर ए जो है वो बैंक गया, बैंक में इसने 15,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, बैंक ने क्या किया, बैंक ने इसको एक बॉन्ड दे दिया, एक नोट दे दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया, एक पीस ऑफ पेपर दे दिया। उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ था कि इस बॉन्ड की वैल्यू 15,000, इंटरेस्ट देंगे हम 6% के हिसाब से, 120 दिन बाद आ जाना, 120 दिन इसकी मेच्योरिटी डेट है, आज की तारीख 1 जनवरी है, और अगर तुमने डिस्काउंटिंग करवाई तो वो 7% से होगी। अब आम सरकमस्टांसेस में, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में ये होगा कि 1 जनवरी 2015 को इस बंदे ने बैंक को दे दिए 15,000 रुपये, या एक तरह से इसने 15,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। 4 महीने यानी कि 120 दिन का पूरे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा, अब इस डिटेल में नहीं जा रहे कि फैब में कम दिन होते हैं, एक जनरल अंदाजे से जा रहे हैं ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 1 मई को इस बंदे को जाना चाहिए बैंक और बैंक जाकर जो है ना अपने पैसे लेकर आने चाहिए। अब कितने पैसे लेकर आने चाहिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, एस इज इक्वल्स टू पी 1+RT से कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट बेयरिंग नोट या इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड है विथ सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड या ये इंटरेस्ट बेयरिंग नोट है विथ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको जो पैसे मिलने चाहिए वो उसूलन मिलने चाहिए, पी है 15,000 इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 1+RR यानी कि इंटरेस्ट की परसेंटेज जो कि 6% है, मल्टीप्लाइड बाय T यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है भाई, टाइम पीरियड 120 दिन है और पूरे साल में 360 डेज होते हैं, तो T जो होगा वो होगा 120 / 360। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, S = 120 / 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 15,000। ठीक है भाई, ये बन जाता है 15,300। एस जो है ना वो बन जाता है 15,300। एस क्या बन जाता है, एस इज इक्वल्स टू 15,300। एस कितना बन जाता है, 15,300। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 मई को जाता बैंक तो इसको 15,300 बैंक दे देता। अगर ये 1 मई को बैंक जाता तो बैंक इसके 15,000 जो इसने इन्वेस्ट किए हैं उसके अगेंस्ट इसको 15,300 दे देता। 300 क्या है, इंटरेस्ट इसको मिल जाता 300 का। ठीक है, लेकिन
फॉर एग्जाम्पल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पहली जनवरी 2015 के बाद 15 जनवरी 2015 वाले दिन इसके पास इमरजेंसी आ गई, कोई मसला आ गया, कोई मसले मसाइल आ गए, कोई इमरजेंसी हो गई। अब इमरजेंसी हो गई, ये गया बैंक और बैंक को बोला यार मैंने अभी 15 दिन पहले आपसे एक नोट लिया था, आपको 15,000 रुपये दिए थे, भाई मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, आप मुझे पैसे दे दो यार। तो बैंक इसको क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा नहीं, क्यों दे दें, आपने तो 1 मई को हमारे पास आना था, देखो इस बॉन्ड पे लिखा हुआ है 120 दिन, आपने 15,000 इन्वेस्ट किए हैं, हाँ हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे लेकिन 120 लिखा हुआ है, 120 दिन बाद आना। तो इसने बैंक को ये बोला यार मुझे मजबूरी है, मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता था कि कोई मसला आ जाएगा, एक मसला आ गया, एक इशू आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया, अब मुझे इसकी जो भी वैल्यू मिलती है डिस्काउंटिंग कर वो पैसे मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत। तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा ठीक है चलो हमने एक डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इसीलिए मेंशन कर दी थी, तो हम आपको जो है वो ये 15,300 तो नहीं देंगे, जाहिर है वो तो हमने तब कमिट किए थे कि अगर आप 1 मई तक हमारे पास पैसे रखोगे, हम आपको इससे कुछ कम वैल्यू कर हम आपको इससे कुछ कम वैल्यू कर पे ऑफ कर देंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? पी इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 - RT, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। S क्या होगा? S हो जाएगा 15,300, 1 - RR क्या होगा? 7%, T क्या होगा? हमेशा याद रखो अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड कितना है, अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड कितना है, 15 दिन गुजरे हैं ना, 120 दिन की कहानी थी, 120 दिन में से 15 दिन एक्सपायर हो गए, 15 दिन एक्सपायर हो गए तो बच कितने गए, 105 दिन बच गए। तो हमारे पास जो T होगा वो होगा 105, जो अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड है, जो 15 जनवरी और 1 मई के बीच का टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाई 360। अब कितनी वैल्यू बन जाती है भाई, ये देखो 7% मल्टीप्लाइड बाई 105/360, 1 - आंसर इंटू 15,300, आपको मिलेंगे भाई, आपको जो पैसे मिलेंगे ना वो मिलेंगे 14987। कितने पैसे मिलेंगे आपको? 14987। यानी कि इसने जो पैसे जमा करे थे ना पहली जनवरी को, बैंक ने 15,000 जमा करे थे, बैंक इसको उससे भी कम पैसे दे रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक ये चाहता है कि यार किसी ने अगर 15,000 जमा किए हैं तो वो फिर जो टर्म्स बोल रहा है उसके बाद ही आए, अगर वो इतना जल्दी आ गया तो हम उसको इतनी ज़्यादा हिट देंगे कि वो सोचे कि यार क्या मैं वापस से पैसे निकालूं भी या नहीं। तो बैंक उसको बोल रहा है चलो सही है आज 15 दिन गुजरे हैं, हम आपको 14987 देंगे, यानी कि जो आपने 15,000 जमा किए थे वो तो नहीं देंगे, उसमें से भी 13 काट लेंगे। ऐसा इसलिए करता है बैंक क्योंकि बैंक आपसे जब पैसे लेता है तो आपकी बात के को रखते हुए कि आप 120 दिन बाद पैसे निकलवाओगे, उस बात को सुनते हुए किसी और को लोन दे देता है। तो बैंक को इमरजेंसी में पैसे अरेंज करने के लिए भी कभी कभार मसला हो जाता है, इसीलिए वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज जो है वो एक्सट्रीमली हाई भी रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट बेयरिंग नोट विद सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद फिर दो और मेथड्स बाकी हैं, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं।